हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही इजीली, वो भी ट्रस्टेड तरीके से आप अपने फ़ोन को अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हो। तो दोस्तों, ट्रिक को पूरा देखिएगा वीडियो को, और तो ही आपको ये ट्रिक पूरी समझ में आएगी, और कैसे यूज़ करना है वॉइस एक्सेस को तो वो आपको समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख रहे हो परिहार ट्रेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर को, और प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद हम जो है वॉइस एक्सेस को सर्च कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए वॉइस एक्सेस सर्च कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो VOICEAWCEWS लिख के आप यहाँ वॉइस एक्सेस सर्च कर लीजिए, और वॉइस एक्सेस सर्च होने के बाद में टॉप नंबर पे गूगल की तरफ से जो वॉइस एक्सेस का ऐप है वो यहाँ आ जाएगा। वो भी अर्ली एक्सेस में आएगा, यानी कि अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अर्ली एक्सेस में ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप गूगल को फीडबैक दे सकते हो, और फीडबैक देने के बाद गूगल इसमें इम्प्रूव हो करेगा वॉइस एक्सेस को, और आने वाले टाइम में ये हमको और भी अच्छी तरह से मिल पाएगा, ठीक है। और भी अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है फ्रेंड्स, ये 3.66 MB का ही ऐप है। और चलिए इंस्टॉल कर हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं इसको इंस्टॉल होने तक। उसके अलावा फ्रेंड आप देख सकते हो गूगल की तरफ तो और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वो आपको नीचे मिल रहे हैं, और इनमें से भी मैंने यूट्यूब गो के बारे में पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड देखते हैं, इंस्टॉल हो चुका है वॉइस एक्सेस, ओपन कर लेते हैं हम वॉइस एक्सेस को। ओपन फर्स्ट है, जब आप वॉइस एक्सेस को इंस्टॉल करोगे तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। तो ओके, सेटिंग पे जाते हैं, और या देखिए वॉइस एक्सेस का जो ऐप है इस पे जाके हम इसको ऑन कर लेते हैं ऐसे सेटिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन करने के बाद बैक आ जाते हैं फिर से, और फिर से ओपन कर लेते हैं वॉइस एक्सेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ वॉइस एक्सेस जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और फिलहाल मैं जो भी बोल रहा हूँ ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और ये फ़ोन जो है मेरा, यानी कि वॉइस एक्सेस का जो एप्लीकेशन है, ये जो है वर्क करता है ये नंबर पे बोलने पे। तो वो मैं आपको अब बताऊँगा जब ये बंद हो जाएगा, फिर से इसको स्टार्ट करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह वॉइस एक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्टली मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ से। ओके फ्रेंड, बंद हो चुका है ये, और अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस एक्सेस को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्टली मैं इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, और उसके बाद हम वॉइस एक्सेस को यूज़ करने वाले हैं। 7 गो बैक। तो फिर फिलहाल मैं पहले होम स्क्रीन पर आने के बाद इसको यूज़ करूँगा तो शायद बेटर रहेगा। वॉइस एक्सेस पे जाएंगे हम, और यहाँ से कुछ सेटिंग्स कर लेंगे पहले, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे सही से, तो सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, शो ऑल कमांड्स में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कमांड्स हैं। ठीक है, बेसिक कमांड है व्हाट कैन आई से, ठीक है। तो सी कमांड फॉर द करंट स्क्रीन के लिए आपको व्हाट कैन आई से के लिए बोलना है। एंड शो ऑल कमांड्स, तो इसमें आपको सी ऑल वॉइस कमांड्स का बोलना है। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमा में आ रहे हैं ये आपको बोलने हैं, ये कमांड्स के लिए है, और जो कमांड क्या होगा इससे बोलने से वो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ओपन, फिर जो भी ऐप आप बोलोगे वो ओपन हो जाएगा। गो बैक, गो होम, नोटिफिकेशन, क्विक सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर गेस्चर में देख लेते हैं, तो सेंड और टैप, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो देखिए, आप बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये फ्रेंड आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हो, और कैसे क्या करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा देखिए ओपन ट्यूटोरियल करेंगे हम, तो ये हमको थोड़ा बताएगा किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ट्यूटोरियल ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और एक्टिवेशन बटन तो है ही, ये अगर ओपन कर लेते हैं हम इसको, एक्टिवेशन बटन को ऑन कर लेते हैं, और नोकिया साइड को भी आपसे ओके कर लेते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है चलिए ओके यूज़ करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने जब एक्टिवेशन की क्लिक किया था, तो ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये आ रहा है, और इस पर क्लिक करने पे जो है वॉइस एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं। 9 3 तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ बोला था, स्क्रीन को टच नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक चला था, और वॉइस एक्सेस जो है फिर से स्टॉप हो चुका है। इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे ये जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके।
गो होम। वॉइस एक्सेस का जो ऐप है, ये देखिए आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और डबल बार अगर आप कहीं भी टैप करते हो अपने हाथ से, तो वो जो है फिर से वॉइस एक्सेस बंद हो जाएगा। तो फिर आप अगर वॉइस एक्सेस स्टार्ट करते हो तो नंबर लिखे हुए आएंगे, और जो भी नंबर आप बोलोगे उस पर टैप हो जाएगा। यानी हर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऐप पर अगर वॉइस एक्सेस के जो नंबर होंगे वो नंबर आ रहा है, तो वो नंबर आप अगर बोलोगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। अगर कोई ऐप ओपन आपको करना है तो ओपन बोल के उस ऐप का नाम बोलना है तो ऐप ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो ओपन गैलरी, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो और आपको होम स्क्रीन पर आना है, तो आपको बोलना है गो होम, तो आपका होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो और आपको बैक जाना है, तो आपको बोलना है गो बैक, और आप बैक आ जाओगे। ठीक है, इस तरह से आप वॉइस एक्सेस को यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, वॉइस एक्सेस को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैं। फोर तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने जैसा जैसा बोला था और ये ओपन हो चुका है, और मैंने स्क्रीन को टच नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन टच करता हूँ तो ये देख सकते हो आप इस तरह से ये बना हुआ आता है, एक डॉट बना हुआ आता है, टच जहाँ पे भी करता हूँ वहाँ पर ऐसा शो होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने बोला था तब मैंने स्क्रीन को टच नहीं किया था और फ़ोन मेरी वॉइस से चल रहा था। तो फ्रेंड आप भी अपने फ़ोन को अपनी वॉइस पर चला सकते हो, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है वॉइस एक्सेस में, तो आप गूगल को फीडबैक दीजिए, ताकि गूगल इसमें और भी इम्प्रूव कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पर भी और यूट्यूब पर भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक न्यू वीडियो डाला है, और आप उस ट्रिक को या फिर उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।